अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। आज है दशमी का दिन, आज है 24 अक्टूबर 2023। और अभी हम लोग निकल रहे हैं अब हमारे होटल नटराज से, और अब हम लोग जमशेदपुर से जाएंगे कोलकाता की तरफ। आज हमारा आखिरी दिन है। हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो देखते रहिए, इस ब्लॉग में आपको पूरा दिखेगा डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा ब्लॉग आपको इस वीडियो में दिखेगा। अभी हम लोग अंदर जाएंगे डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हम होटल से निकल गए हैं, अभी अंदर जाएंगे। और उसके पहले बाहर यहाँ पे एक दुकान है जहाँ से हम अभी चाय थोड़ा पी लेंगे। सुबह का टाइम है, हम बहुत अभी कुछ 8:30 बज रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं चाय पीने के लिए। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। ये और ये एक, हाँ हाँ, दो जगह पे दीजिए दोनों। हाँ हाँ, तो अभी हम लोग आ गए हैं डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि जमशेदपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे एक हाथी भी था बाहर, तो अगर आप यहाँ पे आके गवर्नमेंट का गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको यहाँ से सफारी के लिए बुकिंग करवा सकते हो। और हमारा टोटल कितना पड़ा है मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में दे दिया है। तो ये जो सेंचुरी है ये बनी हुई है डलमा हिल्स पे, और इसकी एरिया है लगभग 195 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल एनिमल्स और हाथी देखने को मिलेगा। लेके जाए, लेके जाए, लेके जाए, देखो तार काटा।
জমিন আছে তুলেছি তুলেছি না এদের নেই জিজ্ঞেস করো আপনাদের ঘর কোথায় এই জিজ্ঞেস করো একটু ব্যাপার আছে হ্যাঁ দেখা যাবে বন্ধু জানো হ্যাঁ পরে দেখা যাবে পরে এই জিজ্ঞেস করো তোমাদের ঘর কোথায় ওদিকে জঙ্গলে চলো 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 বাইরে নাই तो फिर अभी हम लोग आ गए हैं डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एकदम टॉप जो पॉइंट है जहाँ पे वॉच टावर बनी हुई है। आप यहाँ से आपको पूरे एरिया का व्यू मिल जाएगा और यहाँ पे आसपास में कुछ मंदिर भी है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे यहाँ पे, लाइक बहुत ही मंकीज़ है, तो आपको थोड़ा अपना सामान ठीक से रखना पड़ेगा। ऐसे कुछ करते नहीं हैं ये लोग। और अभी मैं चल रही हूँ वॉच टावर पे और यहाँ से जो व्यू है ये बहुत ही सुंदर है। बट उस दिन थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का था इसलिए बहुत दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था, बट आप देख सकते हो कि चारों तरफ पहाड़। और यह एक मंदिर है जहाँ जो मैं बाद में चलूँगी, ये एक हनुमान श्री राम और हनुमान का मंदिर है। और फिर यहाँ पे आपको इस वॉच टावर से पूरा व्यू मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पे एक शिव पार्वती का मंदिर है जहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। और वहाँ पे गुफा भी है जो आपको थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा और फिर जाके आपको एक शिव का मंदिर मिलेगा। ना ना एकदम बस हबे ना तो वहीं पे मंदिर के बाहर यहाँ पे कुछ मूढ़ी उसके साथ घुगनी और कुछ पकौड़ा टाइप का मिल रहा था जो आप खरीद के खा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही सब थोड़ा सा नाश्ता टाइप का कर लिया और फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े कोलकाता के लिए।
जमशेदपुर से कोलकाता आते टाइम ही हाईवे के ऊपर आपको यहाँ पे एक वैष्णो देवी का मंदिर मिलेगा जो एकदम रास्ते के ऊपर ही था, तो हम लोगों ने सोचा कि ये भी दर्शन कर ही लेते हैं जब आए ही हैं, तो हम ये इस मंदिर पे चले गए। और उस दिन था दशहरा का दिन, दशमी का दिन था, तो इसलिए हम लोग, मंदिर बहुत ही भीड़ था, सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर था, तो हम लोगों ने इस मंदिर का दर्शन किया और फिर इसके बाद हम लोगों ने लंच किया जो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। लंच के लिए हम लोग रुके हैं हवेली ढाबा। ये वैष्णो देवी एक मंदिर है यहाँ पे, आप वो रास्ते में एकदम हाईवे के ऊपर ही पड़ेगा जब आप रांची या फिर जमशेदपुर से कोलकाता की तरफ चलोगे तब, और उसी तरफ उसी के जस्ट बाद ये हवेली ढाबा पड़ता है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे हमारा लंच किया है, इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कि हम लोगों ने क्या क्या खाया है। बिल 1780 आया है, 1780, बट उसके बाद हम लोगों ने कुछ वाटर बॉटल्स लिया तो उसके लिए 1860 आ गया है, टोटल बिल है 1860। हम लोग रास्ते में बीच में चाय पी रहे हैं, छोटे से मिट्टी के एक कप में बाहर में चाय मिला है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, कड़क एकदम चाय है ये। और इस दुकान का नाम है बंगाल टाइगर्स टी स्टॉल, जहाँ से हम लोगों ने अभी हमारा चाय पिया है। Yeah.